नेमतुल्ला खान साहब, नेमतुल्ला खान, नेमतुल्ला साहब, मुस्तफा कमाल, नेमतुल्ला खान, वसीम अख्तर साहब, नेमतुल्ला खान साहब, नेमतुल्ला साहब। कराची के अंदर नई सदी में तीन मेयर गुजरे, पहले नेमतुल्ला खान, दूसरे मुस्तफा सही थे और कोई सही नहीं था। देखें अगर ईमानदारी के हिसाब से देखें तो नेमतुल्ला साहब जैसा मेयर हमें नहीं मिला। मुस्तफा कमाली बेहतर था इन दोनों में से, तो सर बेहतर अगर ईमानदारी की बात करें तो नेमतुल्ला खान था, नेमतुल्ला खान साहब। अब तीनों में से सबसे तगड़ा मेयर कौन था? नेमतुल्ला खान, नेमतुल्ला खान था। मैंने जब से अभी होश संभाला मैंने वसीम अख्तर साहब को मेयर देखा, और जब से मैंने पॉलिटिक्स में जो है ना इंटरेस्ट लिया जब से तो वसीम अख्तर साहब को ही मैंने देखा। लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कि वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेन चीज़ें जो काम करके दिखाए मेयर वो होता है, ये नहीं होता कि रो रहा है बजट नहीं, ये नहीं वो नहीं। पहले जो थे इंतकाल हो गया मरहूम, उनका नाम मुझे अभी भूल गया मैं, नेमतुल्ला खान साहब शरीफुल नफ्स इंसान थे, तालीम याफ्ता लोग थे, सही है सियासी लोग थे, मगर कराची में सही सिमत की सियासत लोग मानते नहीं हैं। पहले जो मैं कहता हूँ कि नेमतुल्ला साहब ने जो है ना, मतलब उन्होंने एक जो ना स्ट्रक्चर आपको दिया, एक वो कहते हैं ना किसी ट्रैक पे लेकर गए। बाकी काम तो मुस्तफ़ा कमाल में भी हुआ, लेकिन उसमें चाइना कैटंग ये पार्क जो था, हमने जो नाजाबाद में रहता था वहाँ पर पार्क मैंने खुद देखा है, वो अब बिल्डिंग बन गई है। तो ऐसे वहाँ पर ऐसे वाकयात उनके दौर में बहुत हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम किया है, उनका नाम भी है और लोग भी जानते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो सर पांच नाम रख दिए ना आपके सामने, पांच में कोई एक तो होगा। देखो मुस्तफ़ा कमाल था, उसने किया सारा कुछ किया, बेहतरीन आदमी था कराची के लिए, बेहतरीन तरीन आदमी था वो। लेकिन ये है कि वो आवाम की चॉइस है, वो मैं क्या कह सकता, लेकिन मैं मेरी नज़र में उससे बेहतरीन मेयर जो है, नाजिम जो है, वो कराची क्या पूरे पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। नेमतुल्ला या मुस्तफ़ा कमाल? नेमतुल्ला, क्योंकि सारा जो निज़ाम था उन्होंने जो बुनियाद डाली थी उन्होंने ही डाली थी, जिसकी वजह से कराची में कुछ ज़रा बेहतरी आई थी। उन्होंने मंसूबे अच्छे थे नेमतुल्ला के, उन्होंने काम स्टार्ट किया और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया है। मगर देखें 200 अरब रुपया उनको मिला था कराची के लिए, ठीक है ना, मुशर्रफ दौर में, तो 200 अरब कहीं लगा हुआ भी नज़र उस तरह नहीं है। मगर मैं फिर भी कहता हूँ मुस्तफ़ा कमाल ने काम ज़रूर कराची के लिए किए हैं।